हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गामा के क्लासेस। मैं आज क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे के टॉपिक को क्लियर करता हूँ। आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा, अलग टाइप के आगे के क्वेश्चंस को मैं क्लियर कराऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड फ्रेंडों को भी शेयर करिएगा। तो मेरा फर्स्ट नंबर ये NCERT क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? x प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट में a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई बी। प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। हमें क्या गिवेन आउट, ये इक्वेशन है गिवेन आउट दी हुई है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट में a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई बी, ठीक है। एंड हमें सेकेंड प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जिसको कैसे करेंगे, पहले हमारा जो गिवेन आउट है उसका हम यूज करते हैं। यानी हमें गिवेन आउट क्या है, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट में ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई बी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन गिवेन आउट है, ये हमारा डी है सॉरी यहां पे। तो अब हमारा क्या होगा, ये रूट पूरे में है मेरा, इसमें हम बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा रूट कट जाएगा। यानी क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे क्या होगा, मेरा एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ये हमारा बना, क्या बना मेरा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ठीक है। बोथ साइड मॉड लेने के मॉडल्स करने पे यानी क्या बनेगा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। बोथ साइड मैंने क्या किया इसमें मॉड लिया। तो जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या था, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी हमारा यहां पे क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू का होल स्क्वायर भी होगा। यहां पर मेरा क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह यहां पे मेरा होगा रूट में ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। यानी हमारा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर होता था, बट यहाँ पे हमारा सी एंड बी है एंड सी एंड डी है, तो हमने सी एंड डी के स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा क्या बनना है, ये जो हमारा जब स्क्वायर होगा तो ये रूट मेरा कट जाएगा, यानी स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा। क्या बनेगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम पूरा एक ब्रैकेट एक रूट में लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम एक ब्रैकेट एक रूट पे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा रूट में है, अगर हम इस रूट को हटाएंगे यानी इसकी क्या हो जाएगी, पावर टू होगी। यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, आंसर प्रूव हुआ। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये NCERT क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और क्लियर कराता हूँ। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस पे हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ये NCERT क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ रूट क्यूब ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बी, प्रूव दैट ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया हुआ था उसी तरह थोड़ा उसकी हेल्प से हम करेंगे। वहां पे मैंने स्क्वायर किया था, यहाँ पे हमारा क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब हमारा होगा। यानी क्या होगा, ये जो हमारा गिवन है उसको मैं पहले लिख देता हूँ, ए प्लस आई बी क्यूब रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब हम इसको क्यूब रूट है
तो इसको हम ए प्लस आई बी वाई के फॉर्म में लिखेंगे, यानी आर ए प्लस आई बी इज इक्वल टू हम इसको क्या करें एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो क्यूब है उसको ओपन करेंगे, यानी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस थ्री ए बी, यानी एक्स वाई आई एंड एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अंदर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना होगा एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब। कैसे हुआ, आई स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या लिखा हुआ माइनस वन, जब हमने आई स्क्वायर लिखा आई क्यूब है तो मेरा क्या होगा आई स्क्वायर डॉटेड मल्टीप्लाई आई, तो क्या हुआ आई स्क्वायर के प्लेस में माइनस वन लिख दिया, तो यहाँ पे हुआ माइनस का आई वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर आई स्क्वायर। क्या किया मैंने, इस पे अंदर मल्टीप्लाई करो, थ्री एक्स वाई आई का मल्टीप्लाई अंदर होगा थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड जब सेकंड पे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो थ्री एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड आई का मल्टीप्लाई आई पे होगा तो आई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इस पे हम आई स्क्वायर के प्लेस में क्या लिखेंगे माइनस वन, माइनस आई वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई आई माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, थ्री एक्स वाई स्क्वायर हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो आई के मल्टीपल हैं उनको एक साथ कर लेंगे, क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस थ्री एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस वाई क्यूब, क्या बना यहाँ पे आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस आई बी से क्या करेंगे कंपेरिजन करेंगे, यानी आई के जो मल्टीपल होंगे उनको हम कंपेरिजन करेंगे कॉन्स्टेंट नंबर एंड रियल नंबर में, तो क्या होगा ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, इसी तरह ए इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर आएगा, यानी ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने आगे क्या किया हुआ है एक्स को कॉमन ले लिया हुआ है। अब हमारा क्या बनेगा, इसी तरह बी इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, बी इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे y कॉमन करेंगे, क्या बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस y को क्या करेंगे अपॉन में ले आएंगे, यानी b अपॉन y इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या बना, ये क्वेश्चन नंबर टू हो गई, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानेंगे। हमने क्या किया, a अपॉन x प्लस b अपॉन y की वैल्यू को गिवेन आउट किया, और हमारा प्रूफ क्या करना था, a अपॉन x प्लस b अपॉन y इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें पहले क्या करना था, a अपॉन x की वैल्यू निकालनी थी, b अपॉन y की वैल्यू निकालनी थी, उनको क्या करना था सम करना था यानी प्लस करना था, तो हमारा गिवेन आउट क्या होगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन एंड टू को प्लस कर लेते हैं, तो क्या होगा a अपॉन x प्लस b अपॉन y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा एक वैल्यू क्या a अपॉन x की एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या होगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या बनेगा मेरा
a upon x plus b upon y is equal to 4x square minus 4y square, ठीक है। इससे अगर हम 4 कॉमन ले लें क्या बनेगा, x square minus y square, जो कि हमें प्रूफ क्या करना था, a upon x plus b upon y is equal to 4x square minus y square bracket में। तो ये हैंस मेरा क्या हुआ, प्रूफ हुआ। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप में अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ने लिखा हुआ है कि हमें प्रूफ करना है x एक कोई रियल नंबर है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन आउट है 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, ठीक है। ये हमें क्या है, क्वेश्चन गिवन आउट है। इफ अगर हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले जो हमें इक्वेशन गिवन आउट है उसको हम नोट डाउन करते हैं। तो क्या है, 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स। अब इस पे हम क्या लगाएंगे, योगानुपात विधि लगाएंगे। तो क्या होगा, इस पे इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, ठीक है। तो योगानुपात विधि में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है उसको हम डिवाइड भी क्या करते हैं, लिखते हैं आई बी, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे क्या करते हैं, न्यूमरेटर में प्लस करते हैं डिनोमिनेटर पे माइनस करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इस पे भी हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आई एक्स एंड प्लस का 1 प्लस आई एक्स अपॉन माइनस का 1 प्लस आई एक्स। इतनी चीज क्लियर हो गई। यहां पे हमने क्या लगाया, योगानुपात भी लगाई, तो क्या हुआ, I माइनस आई एक्स प्लस 1 प्लस आई एक्स अपॉन 1 माइनस आई एक्स माइनस 1 प्लस आई एक्स इज इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी प्लस आई 1 होगा एंड नीचे क्या होगा, y माइनस 1 होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस आई एक्स प्लस 1 प्लस आई एक्स अपॉन 1 माइनस आई एक्स माइनस 1 माइनस का आई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे मेरा क्या होगा, ए माइनस आई बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस आई बी माइनस 1, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमारा क्या होगा, ये आई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या है, 2 अपॉन ये 1 से 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आई एक्स इज इक्वल टू ए माइनस आई बी प्लस 1 अपॉन। अब हम इसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये मेरा क्या होगा, न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, यानी ये 1 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आइए करते हैं, तो माइनस कॉमन किया तो क्या हुआ, प्लस 1 एंड माइनस ए एंड प्लस आई बी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगा। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन आई एक्स, क्योंकि ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ए माइनस आई बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस आई बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा, 1 माइनस ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस 1, यहां पे 1 के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, 1 प्लस ए माइनस आई बी, ठीक है। ये हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये मेरा क्या हो गया, आई एक्स के इक्वल में। अब हमारा क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ए प्लस आई बी अपॉन 1 प्लस ए आई बी मल्टीप्लाई 1 प्लस ए प्लस आई बी अपॉन 1 प्लस ए प्लस
आई बी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, वन प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर का होल स्क्वायर आई का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का फॉर्मूला मेरा यहाँ पे नीचे बनेगा, इज इक्वल टू मेरा क्या चल रहा है वैसे ही आई एक्स चलेगा। तो यहाँ नुमनेटर में क्या बनेगा, नुमनेटर में मेरा बनेगा वन माइनस, यहाँ पे हम इसका बनाएंगे फॉर्मूला स्क्वायर यानी वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस का होगा, बट आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस वन, तो यानी कितना हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर एंड माइनस टू बी आई अपॉन, यहां पे मेरा बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी वन प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, यहां पे बनेगा आई स्क्वायर एंड माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, तो आई स्क्वायर के प्लस में क्या लिखेंगे माइनस वन, तो यहां पे हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आई एक्स मेरा इक्वल में चल रहा है, तो आई एक्स इज इक्वल टू ये मेरा कितना हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ किसका हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं कॉमन कर लेते हैं यानी वन माइनस इसी प्लेस वन के प्लेस पे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के टू बी आई अपॉन वन प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर क्या हो गया कट गया, तो कितना आया मेरा माइनस का टू बी आई अपॉन वन प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जब हम यहाँ पे करेंगे क्या माइनस का बी आई आया और यहाँ पे आई एक्स आया, तो यानी आई की एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी टू बी अपॉन वन प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी क्या हो गई एक वास्तविक नंबर रियल नंबर हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा माइनस आया, माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, तो हम यहाँ पे सारा क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, प्लस का टू बी अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, इसी टाइप में आगे का हम क्वेश्चन आगे प्रॉपर्टी क्लियर कराते हैं। डियर स्टूडेंट आगे के हम क्वेश्चनों की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन और लिखा हुआ है फोर नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं यानी सभी संख्याएं दी हुई हैं, उसमें हमें क्या करना है को निरूपित करने वाले बिंदु क्या है समरेखी हैं। तो समरेखी मीन्स ये होगा कि हमारे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा ए सी है, तो मेरा क्या हो जाएगा समरेखी होगा। अगर हम इनको लेट कर लें, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ए बी एंड सी, ये जो पॉइंट मेरे गिवन आउट है ये हम कैलकुलेट कर लिया है मैंने ए बी एंड सी, ठीक है, ये हमने क्या किया पॉइंटों को लेट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे इस पे, अगर हम ए पॉइंट हमारा क्या हो गया थ्री प्लस टू आई, बी पॉइंट क्या हो टू माइनस आई एंड सी पॉइंट क्या हो गया मेरा माइनस का सेवन आई, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैंने क्या किया हुआ है जो तीन पॉइंट्स गिवन आउट थे ए बी सी के फॉर्म में हमने लेट किया हुआ है। अब हमारा क्या होगा इस पे हम क्या निकालेंगे ए बी, हमने क्या बताया कब हमारे समरेखी होंगे यानी ए बी प्लस बी सी यानी टू पॉइंट्स का सम इज इक्वल टू अगर मेरे ए सी के हुआ तो मेरे क्या होंगे समरेखी होंगे। तो क्या करते हैं हम पहले निकालेंगे ए बी, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे मॉड ऑफ ओ बी माइनस मॉड ऑफ ओ ए निकालेंगे, हमने क्या बताया ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे मॉड के अंदर ओ बी माइनस ओ ए निकालेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मैं ए मेरा ओ ए ओ बी मॉड के अंदर टू माइनस आई माइनस यहां पे कितना हो जाएगा माइनस का थ्री प्लस टू आई, ठीक है। तो यहां पे मेरा क्या होगा इसको हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टू माइनस आई माइनस थ्री माइनस का टू आई
ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का 3 है एंड 2 है प्लस का, तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या करेंगे माइनस 1 एंड ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3i। अब हम अगर इसका हम मॉड निकालते थे, मॉडुलस निकालते थे, तो क्या करते थे जो x का मल्टीपल है उसको हम लिखते थे, यानी रूट में, रूट में x के मल्टीपल का स्क्वायर मतलब प्लस y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरा रूट में 1 प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू रूट 10 आया। कितना आया रूट 10 आया। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, मेरा ये निकलेगा BC, तो BC क्या होगा OC माइनस OB मॉड के इज इक्वल टू, अब हमारा क्या होगा OC मेरा क्या पॉइंट है माइनस 7i माइनस, अब हमारा OB क्या है 2 माइनस i, तो मैं डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का i इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 7i प्लस का i, कितना होगा माइनस का 6i माइनस का 2। अब हम इसका रूट मॉडुलस निकालेंगे, तो क्या होगा 6 6 36 एंड 2 2 4 यानी कितना है मेरा 40, कितना है मेरा रूट 40 आया। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे एसी भी निकालेंगे, तो एसी निकालने के लिए क्या करेंगे ओसी माइनस ओए करेंगे, तो क्या हुआ ओसी, ओसी मेरा कितना दिया माइनस का 7i माइनस ओए माइनस का 3 माइनस का 2i हो जाएगा, क्योंकि मैंने सी पे ब्रैकेट को ओपन किया हुआ है। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 7i माइनस के 2i यानी 9i माइनस का 9i माइनस का 3 इज इक्वल टू 9 9 81 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कि 9 आया, कितना हो जाएगा मेरा रूट में 90। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो मेरा क्या बना AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल BC इज इक्वल टू AC मेरा बना कि नहीं बना, इस पे हमें क्या करना है AB इज इक्वल टू AB प्लस BC इज इक्वल टू AC लाना था, तो ये मेरा क्या हुआ समरेखी होंगे क्योंकि ये मेरा इक्वल होगा, अतः ये क्या है मेरे समरेखी हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन और क्लियर कराते हैं। तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन क्या है इफ 1 प्लस आई एक्स माइनस 2i अपॉन 3 प्लस आई प्लस 2 माइनस 3i वाई प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई इज इक्वल टू आई फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी x एंड y की। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से लॉन्ग का क्वेश्चन आया तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो इसे हम कैसे करते हैं, इस पे हमारा एज पहले हम लिख लेते हैं 1 प्लस, इस पे हम इसी स्टेप पे कर लेते हैं क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी x का हम क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट में, तो क्या बनेगा x प्लस आई एक्स माइनस 2i अपॉन 3 प्लस i प्लस इसी में हम कर लेंगे 2i माइनस 3i y प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई इज इक्वल टू आई। हमने क्या किया हुआ है अंदर हमने क्या किया हुआ जो ब्रैकेट था ब्रैकेट को ओपन कर लिया हुआ है, तो अब हमारा क्या बना x प्लस आई एक्स माइनस 2i अपॉन 3 प्लस आई हुआ प्लस 2i माइनस 3i y प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई इज इक्वल टू क्या आया हुआ i आया। अब हमारा क्या होगा इस पे हम जो i के मल्टीपल है उनको एक साथ लिख लेते हैं, यानी इस पे हमारा क्या बनेगा x माइनस 2 ये i कॉमन कर लिया 3 प्लस i ठीक है प्लस इसी पे हमने क्या किया 2i माइनस i कॉमन कर लिया कितना हुआ 3y माइनस माइनस 1 i।
ठीक है, इसपे अंदर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, वही आ जाएगा अपॉन 3 - i = i आया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम मेरा क्या आएगा 3 + i 3 - i, तो क्या बनेगा x + x - 2i एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मेरा, इसी के आगे मैं लिख लेता हूं 3 - i + 2i - 3y - 1i एंड इसका हमारा मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 3 + i = i हो जाएगा। इसका ये क्या हुआ, a + b एंड a - b का फॉर्मूला बना, यानी a² - b² तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3x + 3x - 2i एंड माइनस का आई एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x - 2i² ठीक है। इसका हमने क्या किया हुआ अंदर मल्टीप्लाई कराया हुआ है प्लस यहां पे मेरा क्या बनेगा, ये मेरा एक ब्रैकेट में कर लेते हैं एंड यहां पे मेरा बनेगा इस पे हमने 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6y - 3i एंड ब्रैकेट में 3y - 1 ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, आई का मल्टीप्लाई होगा तो इस पे हो जाएगा कितना प्लस का 2i y माइनस यहाँ पे i² होगा एंड यहाँ पे होगा 3y - 1 ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या हुआ ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब हमारा क्या बनेगा अपॉन में मेरा ये बनेगा, यह अपॉन में मेरा पूरा चलेगा तो क्या आएगा 9 - i² हो जाएगा ठीक है, इज इक्वल टू मेरा क्या चल रहा है आई चल रहा है। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो क्या बनेगा वो मैं देख के लिखता हूँ और बाकी आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा वो इक्वेशंस आएंगी। तो आगे हम क्या करते हैं, इस पे हम इक्वेशन जो मेरी बनी है वो क्या लिखेंगे 4x, इक्वेशन में देख के लिखता हूँ क्या है 4x + 9y - 3 = 0 बनी एंड नेक्स्ट बनी 2x - 7y - 3 = 10। तो मेरी x एंड y की वैल्यू हम इससे क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, तो x एंड y की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे अगर हम इस पे क्या करें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा इक्वेशन नंबर, ये मेरी फर्स्ट बनी, इक्वेशन नंबर सेकेंड बनी, इस पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से तो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी 4x - 14y - 6 = 20। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारी x = आ जाएगा कितना मेरा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x = आएगा मेरा 3 एंड y = आ जाएगा मेरा -1 ठीक है। तो आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मेन जो कॉन्सेप्ट मेरा वो था वो मैंने क्लियर कर दिया है, बाकी आप सॉल्यूशन अपनी कॉपी पे लगाएंगे तो आपको 100% आएगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है cos x + i sin x नेक्स्ट ब्रैकेट में cos y + i sin y अपॉन cot u + i + 1 tan v। ये मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, हमें इसको a + ib के फॉर्म में चेंज करना है। क्या क्वेश्चन है कि ये हमारी जो इक्वेशन ये नंबर दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है a + ib के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा मेरा cos x, इसको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो cos x cos y एंड प्लस का i
साइन वाई एंड कॉस एक्स, ठीक है, साइन वाई एंड कॉस एक्स बना, ठीक है, एक ब्रैकेट पे इसको हम ब्रैकेट लगा लिया, प्लस किया, यहां पे क्या बना, आई का आई साइन एक्स का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट पे होगा तो क्या बनेगा, आई साइन एक्स कॉस वाई एंड प्लस आई स्क्वायर साइन ए वाई एंड इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, यहां पे मैंने कोई नई चीज नहीं की हुई, क्यों क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है अपॉन, यहां पे हो जाएगा मेरा कॉस को चेंज करेंगे, कॉस यू अपॉन साइन यू प्लस आई एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में वन प्लस आई साइन वी अपॉन कॉस वी, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। जब किसी टाइप इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें जो दिखता है वो करना होता है, यानी हमें क्या करना है, इस पे और कुछ नहीं दिखा, केवल हमें क्या दिखा कि मल्टीप्लाई करना है एंड कॉस को क्या चेंज करना है, कॉट को चेंज करना है कॉस एंड साइन के फॉर्म में, टेन को चेंज करना है साइन एंड कॉस के फॉर्म में। तो आगे हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, ऊपर मेरा क्या बना, ऊपर मेरा ये बना कि ये मेरा प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है एंड ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर के प्लस में माइनस वन, तो हम करते हैं तो क्या बनेगा, कॉस एक्स एक ब्रैकेट में लिख लेंगे सारा, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई एंड कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स एंड कॉस वाई एंड प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स एंड साइन वाई, क्योंकि यहां पे आई स्क्वायर के प्लेस में क्या लिखा हुआ मैंने, माइनस वन अपॉन, यहां पे ये हो जाएगा मेरा कॉस यू प्लस आई साइन यू अपॉन साइन यू एक ब्रैकेट पे, सेकंड ब्रैकेट पे हो जाएगा कॉस यू वी प्लस आई साइन वी अपॉन कॉस वी, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, जो आई वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, यानी ये मेरे क्या होंगे, एक साथ हो जाएंगे एंड ये कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला बनेगा, कॉस ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बना एंड यहाँ पे मैं आई कॉमन कर लूंगा तो यहाँ पे किसका बन जाएगा, साइन यहाँ पे बनेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस आई कॉमन किया तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, ठीक है। अब हमारा डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ये हमारा जो एलसीएम आएगा इसको मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको ऊपर चेंज कर सकते हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं, साइन यू एंड कॉस वी अपॉन अपॉन ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉस यू प्लस आई साइन यू एंड कॉस यू प्लस आई साइन वी। तो क्या करते हैं, इस पे हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस यू एंड कॉस वी प्लस आई साइन वी एंड कॉस यू बनेगा प्लस आई साइन यू कॉस वी, ये मेरा क्या है, कॉस वी है, ठीक है। अब यहां पे मेरा आई साइन यू एंड कॉस वी बना एंड इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आई स्क्वायर साइन यू एंड साइन वी, ठीक है। अब हमारा यहां पे क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा कॉस यू एंड ये मेरा जो आई वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे तो हमारा क्या बना, न्यूमरेटर में बना मेरा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस आई साइन
एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज साइन यू एंड साइन वी अपॉन क्या हुआ यहाँ पे कॉस यू कॉस वी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आई स्क्वायर की प्लेस माइनस वन, तो साइन यू हो जाएगा, तो यानी मेरा कितना हो जाएगा कॉस यू प्लस वी का फॉर्मूला बना, एंड यहाँ पे मेरा बनेगा आई कॉमन कर लेंगे तो साइन वी प्लस कॉस वी, यहाँ बनेगा मेरा प्लस का आई कॉमन कर लेंगे तो साइन v प्लस यू, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या बना साइन u प्लस वी प्लस आई साइन यू प्लस वी, ठीक है, इतना मेरा ये फॉर्मूला बना। अब आगे हम ये कॉन्जुगेट इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या बनेगा ये हमारा होल ब्रैकेट पे कर लेते हैं, एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं, तो कॉन्जुगेट के जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस u प्लस वी यू प्लस वी प्लस माइनस आई साइन यू प्लस वी, ठीक है, यू प्लस वी बनेगा अपॉन यही आएगा कॉस यू प्लस वी आई साइन वी प्लस यू, ठीक है, तो यहां डिनोमिनेटर में क्या होगा कॉस स्क्वायर यू प्लस वी प्लस साइन स्क्वायर यू प्लस वी होगा, क्यों होगा यहाँ तो मेरा माइनस का फॉर्मूला बनेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बट हमें इसी में डायरेक्ट में समझा रहा हूँ कि आई स्क्वायर जब होगा तो आई स्क्वायर के प्लेस में माइनस वन रखेंगे, तो माइनस वन जब रखेंगे तो ये मेरा किसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में मेरा क्या हो जाएगा वन होगा, क्या होगा वन होगा, एंड डिनोमिनेटर में क्या बनेगा मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ, यानी इसको हम पहले बाहर रखेंगे साइन यू एंड साइन वी, इसको हम बाहर ही रखेंगे, एंड ये मेरा क्या बनेगा ये जो साइन वाला है कॉस वाला है तो कॉस एक्स प्लस वाई एंड कॉस साइन एक्स प्लस वाई इसका हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो कॉस एक्स प्लस वाई एंड इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा कॉस यू प्लस वी, एंड इसी तरह यहां पे होगा माइनस का, अब यह होगा मेरा कॉस एक्स प्लस वाई एंड ये हुआ साइन वी प्लस यू, ये किसका है आई है, ठीक है, अब हमारा इसी तरह इस पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आई साइन एक्स प्लस वाई एंड ये हुआ कॉस यू प्लस वी, ठीक है, एंड माइनस का आई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई एंड ये क्या हुआ साइन यू प्लस वी, ठीक है, तो ये मेरा डिनोमिनेटर पे बना, एंड नीचे ने एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि नीचे वन कैसे हुआ कॉस स्क्वायर प्लस साइन साइन यू प्लस वी है, तो ये आई स्क्वायर बनेगा तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा कॉस एक ब्रैकेट में क्या है कॉस है, ठीक है, कॉस और नेम क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पे मेरा आई स्क्वायर है आई स्क्वायर के प्लेस में माइनस वन लिखते हैं तो क्या बनेगा, तो सर ब्रैकेट, ठीक है, तो ये मेरी लाइन यहाँ पे, इसके बाद मैं लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या हुआ साइन वी साइन यू, ठीक है, एंड ये मेरा जो आई वाले हैं पहले आई वाले लिख लेते हैं आई वाला कॉस एक्स प्लस वाई कॉस यू प्लस वी, ठीक है, ये जो है आई स्क्वायर है
इसके प्लेस में क्या लिखें, माइनस में तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस का साइन एक्स प्लस वाई एंड साइन वी प्लस यू, यू प्लस वी बात एक ही है। अब हमारा यहाँ पे हम आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, प्लस आई कॉमन ले दिया तो हमारा बनेगा साइन एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स प्लस वाई एंड कॉस यू प्लस वी माइनस साइन यू प्लस वी एंड कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है मैंने, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को मैंने नोट डाउन किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा बनेगा क्या फॉर्मूला, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ अब, साइन यू साइन वी एंड ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कॉस ए माइनस बी यानी कॉस एक्स प्लस वाई माइनस बी एंड माइनस का यू। एंड इसी तरह यहाँ पे मेरा बनेगा प्लस आई साइन का बनेगा इस पे क्या, साइन ए माइनस बी यानी एक्स प्लस वाई माइनस यू माइनस बी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें चेंज किसके फॉर्म में करना था, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो ये मेरा हो गया ए एंड ये हो गया बी। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आए होंगे, आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आज के टॉपिक समझ में आया होगा। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर समझ में आया होगा, अगर इस पर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फ्रेंडों को भी शेयर करिएगा एंड इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, नोट डाउन करिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी लंबा क्वेश्चन था तो मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड मतलब इधर उधर किया हुआ है, तो ध्यान देके करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर।